इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हबीब खान, जो बेंगलोर से निकले हुए हैं और वो मक्का मुकरमा हज के लिए जा रहे हैं। कहते हैं अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपने अपनी बारगाह में बुला लेता है, लेकिन मोहम्मद हबीब खान साइकिल के ज़रिए से वो जो बेंगलोर से निकले हुए हैं और बेलगाम आए हैं, तो बेलगाम में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। हमारे साथ वो मौजूद हैं। सबसे पहला तो आपका बेलगाम शहर में इस्तकबाल, बेलगाम वालों ने आपका शानदार इस्तकबाल किया है, खैर मकदम आपका इस शहर में। बताइए कि आप जो आगे का सफ़र तय करने जा रहे हैं वो कैसे करेंगे और कितना मुश्किल है आपके लिए, कैसे उसके लिए आसानियाँ रहेंगी? बस आपके पूरे भाइयों की मुझे दुआ की ज़रूरत पड़ेगी, दुआ ही जरेगी तो मैं सफ़र आसानी पार होगा। मुझे दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी मुझे, मगर फिर भी अल्लाह का अल्लाह के ऊपर भरोसा है, मुझे मेरा सफ़र आसानी होगा। किन रास्तों से जाना चाहिए? ऐसे मैं मुंबई जाऊँगा। मुंबई से मेरी ख्वाहिश है कि मुंबई से शिप में जाना चाहता हूं मैं। मुंबई जाके मेरी कार्रवाई जो है शिप में जाने की मेरी ये है, मेरी कोशिश पूरी जो है करूँगा मैं शिप में जाने की। अदबलता नहीं हो रहा है तो मैं फ़्लाइट में दुबई जाऊंगा, दुबई से फिर मैं वहां से मेरी साइकिलिंग मेरी सफ़र चालू रहेगा। अच्छा, तकरीबन कितने हज़ार किलोमीटर का होगा? नहीं, पूरा मेरा टोटल हो के 4,500 किलोमीटर खुद करीब होगा, 4,000 कुछ। इससे पहले आप गए हैं? नहीं नहीं, इससे ये पहली मरतबा मैंने इतनी दूर तक मैं साइकिल लेके निकला हूँ। अल्लाह की राह में हज की नियत करके मैं निकला हूँ सफ़र, यह पहली मर्तबा। इससे पहले कभी इतने लंबा सफ़र कभी नहीं किया मैं। बहुत बहुत मुबारकबाद इन्हें, ये बेलगाम शहर में बेलगाम वालों की तरफ से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें जो मुबारक मुकद्दस सफ़र के लिए ये जो निकले हैं, अल्लाह ताला इनके सफ़र को कबूल फरमाए और इनके तुफैल में जो जिन हालात से मुसलमान पूरी दुनिया भर में परेशान है, इन ऐसे अल्लाह की राह में निकलने वाले मुजाहिदीन की वजह से अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की तकलीफ़ें परेशानियों को आसान करे और इनके भी सफ़र को कबूल करे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हबीब साहब जो है मेरे रास्ते में हज की नियत से, हज की इरादे से निकला हुआ है, ऐ अल्लाह इनके सफ़र को कामयाब फरमा, ऐ अल्लाह इनके सफ़र को उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर का जरिया और सबब बना, ऐ अल्लाह उम्मत पहले परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर फरमा, ऐ अल्लाह उम्मत पहले तरह तरह की परेशानी में मुबतला है, ऐ अल्लाह इनके सफ़र के जरिए जरिए बहाने के तौर पर, ऐ अल्लाह उम्मत की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबतों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबतों को दूर फरमा, आने वाली हर तकलीफों को दूर फरमा, एयरलाइन की सफ़र को आसान फरमा, इस सफ़र में मुश्किल को दूर फरमा, एयरलाइन की सफ़र में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, ए अल्लाह शहर बेलगाम खूबसूरत हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इनकी दुआओं में, तमाम उम्मत मुस्लिमा के अल्लाह दुआओं में इनका भी हिस्सा और तमाम मुसलमानों के हक में इनकी दुआओं में खैर अता फरमा। قال الله تعالى في شأن حبيبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سفيان حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين।